एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां हम कहते हैं कभी ना कभी या कहीं ना कहीं। जैसे कभी ना कभी आपको पछताना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको मेरा बात मानना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको वहां जाना होगा, कभी ना कभी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस है जहां हम कहते हैं कभी ना कभी। और दूसरा टॉपिक जहां हम कहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा या हम लोग कहीं ना कहीं ठहरेंगे, वे लोग कहीं ना कहीं रुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप दो टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे पहले देखें कभी ना कभी, उसके बाद हम सीखेंगे कहीं ना कहीं। जब आपके सेंटेंस में आए कभी ना कभी, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने आप इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यानी या तो आप कहेंगे सूना आ लेटर, या फिर आप ये कह सकते हैं सम टाइम और द अदर, यानी कभी ना कभी। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो कभी ना कभी आपको पछताना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव टू रिपेंट सूना आ लेटर। आप ये भी कह सकते हैं यू विल हैव टू रिपेंट सम टाइम आर द अदर, यानी आपको कभी ना कभी पछताना पड़ेगा, आपको कभी ना कभी इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश सूना आर लेटर। आप ये भी कह सकते हैं यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश सम टाइम और द अदर, यानी आपको कभी ना कभी इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आपको कभी ना कभी एक मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव टू बाय अ मोबाइल सूना आर लेटर। आप ये भी कह सकते हैं You will have to buy a mobile sometime or the other। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहाँ आप कहें कभी ना कभी, तो आप कहेंगे सूना आ लेटर या समटाइम और द अदर। हो सकता है कि आप सोचे मैंने इस तरह के सेंटेंसेस को विल हैव टू के मदद से क्यों बोला। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा इस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, यानी मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं कि हैव टू, हैज टू या हैड टू या विल हैव टू का इस्तेमाल कब करते हैं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मैंने आई के सिंबल में रखा है। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझे जो है कहीं ना कहीं। वर्ड कहीं ना कहीं के लिए आप कहेंगे समवेयर और द अदर, यानी कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो हम लोग कहीं ना कहीं ठहरेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी विल स्टे समवेयर और द अदर, यानी हम लोग कहीं ना कहीं ठहरेंगे। अगर आपको कहना हो वे लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे आर गोइंग समवेयर और द अदर, यानी वे लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मैंने कहीं ना कहीं आपको देखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव सीन यू समवेयर और द अदर, यानी मैंने कहीं ना कहीं आपको देखा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय। एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सच काइंड ऑफ और सच काइंड्स ऑफ क्या है, या सच टाइप ऑफ और सच टाइप्स ऑफ क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सच टाइप ऑफ या सच टाइप्स ऑफ, सच काइंड ऑफ या सच काइंड्स ऑफ, इन सभी का मतलब होता है इस तरह का या इस प्रकार का। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप टाइप की जगह पर काइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप काइंड की जगह पर टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। आप एक की जगह पर दूसरा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सच टाइप ऑफ और सच टाइप्स ऑफ और सच काइंड ऑफ और सच काइंड्स ऑफ में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखें, उसके बाद हम इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का आदमी पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक सच अ टाइप ऑफ मैन। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक सच अ काइंड ऑफ मैन, यानी आप कह सकते हैं सच अ टाइप ऑफ या सच अ काइंड ऑफ।
और यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि टाइप या काइंड के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है मैन, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक सच टाइप्स ऑफ मैन। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक सच काइंड्स ऑफ मैन। यहाँ मैंने अपने पहले सेंटेंस में बोला टाइप्स और दूसरे सेंटेंस से बोला काइंड्स। तो अगर आप अपने सेंटेंस को टाइप्स या काइंड से बोलेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है मेन, जो कि मैन का प्लूरल है यानी बहुवचन है। टाइप या काइंड वाले सेंटेंसेज में आप सच के जगह पर दिस या दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस तरह के सेंटेंसेज में सच के जगह पर दिस या दीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का सेब पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एप्पल। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल, यानी मुझे इस प्रकार का सेब पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ एप्पल्स। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल्स, यानी आप अपने सेंटेंस में टाइप्स या काइंड्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं अभी बताऊं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का कार पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कार। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ कार या आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ कार्स, यानी मुझे इस तरह का कार पसंद नहीं है। अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का वीडियो पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक दीज टाइप ऑफ वीडियो। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, और आप ये भी कह सकते हैं I don't like these types of videos. आप ये भी कह सकते हैं I don't like these kinds of videos. यानी मुझे इस तरह का videos पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया। आइए अब देखें टाइप और टाइप्स में क्या फर्क है, काइंड और काइंड्स में क्या फर्क है, यानी कब हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा है, जो है I don't like this type of apple और दूसरा आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ एप्पल। यहाँ पहले सेंटेंस में जो मैंने बोला दिस टाइप ऑफ, जिसका मतलब हुआ इस प्रकार का या इस किस्म का, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो किस्म है वो एक है या सिंगल है। और वहीं दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला दीज टाइप्स ऑफ, जिसका मीनिंग हुआ इस किस्म का, इस प्रकार का। लेकिन यहाँ दीज टाइप्स ऑफ का सेंस है मेनी टाइप्स या मेनी काइंड्स। लगता है आप समझे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसके पास सिर्फ एक ब्रांड का सेब है, और अगर आपको वो ब्रांड पसंद नहीं है तो आप कहेंगे I don't like this type of या this kind of। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे दुकान पे जाते हैं जहाँ कई अलग अलग जगह के सेब हैं, यानी वहाँ पर जो सेब है वो सब अलग अलग जगह का है या अलग अलग ब्रांड से है, और आपको उनमें से कोई भी ब्रांड पसंद नहीं, तो वहाँ पर आप कहेंगे these types of या these kinds of। लगता है आप अभी भी कंफ्यूज हैं। आइए एक एग्जांपल और देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर किसी ने यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो दिखाया और आपको वो वीडियो पसंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो। लेकिन अगर किसी ने आपको कई सारा अलग अलग वीडियो दिखाया, यानी आपने क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखा, फुटबॉल से रिलेटेड वीडियो देखा, आपने WWE वाले वीडियो देखे, लेकिन इनमें से कोई वीडियो आपको पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पर कहेंगे आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज। यानी यहाँ पर जितने भी किस्म हैं, इनमें किसी भी किस्म का वीडियोज मुझको पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आ रही है कि जब किस्म एक होगा तो वहाँ पर आप बोलेंगे दिस टाइप ऑफ या दिस काइंड ऑफ। आप ये भी कह सकते हैं सच अ टाइप ऑफ। लेकिन अगर वहाँ किस्म ज्यादा है, यानी प्रकार ज्यादा है, तो फिर आप कहेंगे सच टाइप्स ऑफ या
such kinds of या these types of या these kinds of, इन सभी का मतलब एक ही होता है। जो आपको अच्छा से समझ में आया आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।